नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि एक मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर सेंड किया था एक स्टूडेंट ने, वैसे तो काफ़ी दिन हो गए, 11 तारीख को एग्ज़ाम था, ठीक है ना। ये आईटी इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम है, 11 तारीख को जो हुआ था हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो उसके कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है, वो मैं आपको उनके जो आंसर है वो डिस्कस करेंगे, चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है टेक्निकल का, ठीक है। इंसुलेटर प्रतिरोध का ओमिक मान व्यक्त किया जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए इंसुलेटर प्रतिरोध का जो ओमिक मान है वो हमेशा मेगा ओम में हम लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दे रखा है, आरएफ कपलिंग यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी जो कपलिंग है सर्किट में किस प्रकार के कैपेसिटर का उपयोग करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, मोनोलिथ जो हमारे पास प्रकार का कैपेसिटर है वो हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल है बिल्कुल भी, हमारे पास दे रखा है कौन सा ऐसा नियम है जिसके अंदर क्या है, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है ना। जितने हमारे पास वोल्टेज हमने दी है अप्लाइड की है वो बराबर हो किसके, वोल्टेज ड्रॉप के, ठीक है ना। तो ये कौन से नियम के अंदर होता है, ये हमारे पास किरचॉफ सेकंड लॉ यानी कि केवीएल के अंदर ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको पता चला। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर दिया हुआ 62 नंबर, ठीक है। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए कौन सा नियम लगेगा, आप सभी को पता होगा, नॉर्मली आप डेली लाइफ के अंदर यूज करते ही हो कि आप जनरेटर को स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने के लिए आपके पास जो हैंडल होता है जनरेटर का उसे आपको हिलाना पड़ता है जोर जोर से, ठीक है। घुमाओगे आप हैंडल को, घुमाओगे तो हैंडल को नॉर्मली हम मानते हैं 99% लोग जो है वो राइट हैंड से हैंडल हमेशा चलाते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता चल गया जनरेटर को चलाने के लिए कौन सा रूल हम यूज करेंगे, राइट हैंड रूल का, और यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, 63 नंबर चेक कीजिए कि डीसी संट मोटर है, इसके अंदर 3 पॉइंट स्टार्टर होता है जो, उसमें 9 वोल्ट क्वाइल कैसे जुड़ी होगी, तो आप सभी को पता होगा 9 वोल्ट जो क्वाइल है, ठीक है, ये है हमेशा कनेक्टेड इन सीरीज विद फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग के जो होगी उसके साथ सीरीज में ही जुड़ी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 64 नंबर, 3 फेज मोटर में वाइंडिंग के बीच फेज विस्थापन कितना होगा, तो ये होता है 120 डिग्री का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 65 नंबर, लोड के साथ चलने के दौरान यदि एक फेज कट ऑफ हो जाए तो 3 फेज इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, अभी हमिंग शोर से चलती रहेगी, ठीक है ना, हमिंग शोर के साथ चलती है, लेकिन कुछ देर के लिए ही चलेगी, कुछ समय के लिए ही चलेगी, लगातार नहीं चलेगी, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 66 नंबर आपको दिखाई दे रहा है कि हाउ टू डिटरमाइन कॉपर लॉस इन ए शॉर्ट ट्रांसफॉर्मर, तो आप सभी ने पढ़ रखा होगा ट्रांसफॉर्मर के अंदर 2 टेस्ट हम करते हैं नॉर्मली, एक तो शॉर्ट सर्किट, एक हम करते हैं ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं कॉपर लॉस के लिए और ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं कोर लॉस के लिए, तो इस कॉपर लॉस के लिए कौन सा आएगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, घरेलू तार के परिपथ में लैंप के मंद और मोटर की के धीमी गति से चलने का क्या कारण होगा, आप सभी को पता होगा आपके घरों में नॉर्मली जो मोटर वगैरह है कई बार क्या है लैंप वगैरह जो वो कम प्रकाश देते हैं, अचानक कम प्रकाश देंगे, कम प्रकाश क्यों देंगे, क्योंकि उसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ज़्यादा हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा कब होता है, जब उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू इसके अंदर क्या है ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। आप सभी को पता होगा वी इजिकल टू क्या होता है आई आर, आर हमने ज़्यादा यूज कर लिया इसके अंदर, ज़्यादा हो गया रेजिस्टेंस तो हमारे पास वी भी क्या हो जाएगा इसके अंदर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, वोल्टेज इसके अंदर ज्यादा होगा ये, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होता है देखिए, ये जो नियम है वो इसमें लागू नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो आर ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू कम होगी, करंट की वैल्यू कम होगी तो हम वोल्टेज ड्रॉप को कम मानते हैं, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 68 नंबर, ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए 68 नंबर, रासायनिक ऊर्जा संयंत्र में फ्लू पानी द्वारा वाष्प इकोनोमाइजर का क्या कार्य होता है, ठीक है ना, वाष्प इकोनोमाइजर का कार्य क्या होगा, आप सभी को पता होगा इकोनोमाइजर का नाम देखिए, इकोनोमाइजर
यानी कि इकोनॉमिक जो सिस्टम है उसको सही रखना इसका काम होता है। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या होगा, जो फ्ल्यू गैस जो होती है, फ्ल्यू गैसों द्वारा फीड पानी को गर्म करता है ये। ठीक है ना, तो इकोनॉमिक सिस्टम को ये बढ़िया रखता है। ओके चलिए, यहाँ तक शायद यही क्वेश्चन थे टेक्निकल के, ये हिंदी भाषा आ गई है। ठीक है, ये कुछ टेक्निकल के क्वेश्चन थे, लगभग 10 क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किए हैं और आपको समझ में आ गया होगा। आपकी तरफ से आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट लगे, या मेरे द्वारा भी मान लीजिए भी किसी कारणवश जल्दबाजी में या फिर किसी का आंसर गलत है, तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है ना, जितना मेरे से पॉसिबल हुआ मैंने आपको क्या है इसका सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।